अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुशदार चमरों पर इस वक्त एहतजाज जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पार्टी के ज़िले राबता सेक्रेटरी मोहतरम नासिर कमाल साहब। हम उनके साथ भी बात करेंगे और उनके साथ साथ नेशनल पार्टी के तहसील सदर अब्दुल वहाब गुलामानी साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी उनके उनकी राय जानेंगे कि कब तक वो यहाँ पर रहेंगे। शुक्रिया प्रेस के साथियों, आज आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त निकाल कर इस धरने को जो कवरेज दे रहे हैं, यकीनन ये धरना मुल्क कौम ख़ास कर मिल्लत के लिए, जहाँ ये कठपुतली एक वज़ीर-ए-आज़म लाया गया है, शुरू दिन से जो PDM के कायदे ने ये कह रहे हैं कि ये खुद साख्त ऐसे टोला को लाया गया है जिन्हें मुल्क से कोई सरोकार नहीं। आज हमारे इंतहाई मोहतरम और इंतहाई दानिश्वर लोगों को इस्लामाबाद में घेरा गया और उन्हें मारने की कोशिश की गई, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। अभी भी हमारे PDM के जो कायदीन हैं वो सलाह मशवरे में आए, जब तक वहाँ उन्हें उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा, हम लोग जो रोड ब्लॉक है इनको ब्लॉक ही रहने देंगे, चाहे सुबह हो या कल तक हो, हम उनके आखिरी फैसले तक उनकी इंतज़ार में हैं। और हमारे जितने भी दोस्त हैं कायदीन वो PDM के हैं, नेशनल पार्टी के दोस्त हैं, BNP मेंगल के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, बाकी दीगर जो यूनियंस हमारे साथ खड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये धरने को कामयाब किया हुआ है, इंशाल्लाह हम लोग इसके कामयाबी के लिए हम वक्त साथ रहेंगे। PDM की क़यादत है मौलाना फजल साहब और रामा साहब, उनकी तरफ से जो कॉल है हमने उसी टाइम से रोड पे खड़े हैं, रोड ब्लॉक है ट्रैफिक के लिए और बिल्कुल किसी को भी यानी पूरे पाकिस्तान में खासतौर से बलोचिस्तान के जितने रोड्स हैं वो जाम हैं यानी, इसलिए यानी अभी तक कोई भी कॉल मरकजी क़यादत की जिस टाइम तक नहीं आएंगे उस टाइम तक हम रोड पे धरना देके बैठेंगे और नाहल हुकूमत के और सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ उस टाइम तक धरना जारी रहेगा और तमाम यानी रोड जाम रहेंगे जब तक PDM की क़्यादत मौलाना फजल रहमान की हुक्म ना आ जाए कि रोड खोल दो, यानी हम उसी टाइम तक खड़े रहेंगे और धरना देंगे।